नमस्कार, खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शहडोल के दौरे पर थे। शहडोल में बाढ़ गंगा स्थित मैदान में जय किसान ऋण माफी के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं को उनके अधिकारों की बात बताई। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ शहडोल के प्रभारी मंत्री ओंकार सिंह मरकाम और पंचायत ग्रामीण मंत्री कमलेश्वर पटेल, आबकारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को कोसते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ घोषणा करने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम उन्होंने इन 15 सालों में नहीं किया। मुझे भी अभी कह रहे थे कि मेरे साथी लोग कि आप भी घोषणा कर दो, लेकिन मैं घोषणाओं का काम नहीं करता हूं, मैं तो धरातल पर काम करता हूं। कमलनाथ ने मोदी सरकार को भी निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी ने भी कहा था कि 15 लाख आएंगे, लेकिन वह जुमले के अलावा कुछ नहीं था। हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और 2 करोड़ रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन आज तक बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। ऐसी नोटबंदी की सभी को बर्बाद कर दिया है और जो महिलाएं छुपाकर पैसा रखती थी उसे भी उन्होंने निकलवा दिया। ये सब उनका जीवन किसी क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये हमारे प्राण का थी और हमने वचन दिया कि आप नहीं, हम हमने किसी खेत की जो चुनौती है, कृषि खेत की चुनौती है, इस पर कदम बनाए। अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश के 25 लाख किसान खबर सिंगरौली से है। सिंगरौली जिले के सीमावर्ती क्षेत्र शक्तिनगर मेडिकल स्टोर संचालक की मनमानी कहीं लोगों को भारी न पड़ जाए। बताया जा रहा है कि शक्तिनगर मेडिकल स्टोर्स पर तमाम नशीली दवाइयां खुलेआम बेची जा रही हैं। यही नहीं, कफ सिरप जो बैन कर दी गई है वो भी दढ़ल्ले से मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिल जाएगी। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते मेडिकल स्टोर संलग्न खुलेआम नशीली प्रतिबंधित दवाइयों को बेच रहे हैं। मोटी कमाई के लालच में बेखौफ होकर इंसानी जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और संबंधित विभागों की घटिया कार्यप्रणाली की वजह से नशे की दवाइयां बेचने वाले कुछ केमिस्टों के हौसले इस कदर बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उनकी दुकानों पर नशेड़ियों की टोलियां खरीद फरोख्त करती नजर आती हैं। फिलहाल मेरे साथ खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।